सो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग पीछे में बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, एक्चुअली ये रुपम के घर में हूँ अभी। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है दोस्तों, और यहाँ पे रुपम और जेरी। कैसे है रुपम भाई? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ। एक्चुअली एक्चुअली मैं आ गया आप लोगों से कुछ सब्जियां। अरे लेके जाओ यार, कल दिखाया ना, कल वहाँ पे जीगा जो है, क्या जीगा ना है? हाँ, वहाँ पे है जीगा, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी है, उस साइड में भी है, पूरा है, जितना भी मर्जी लेके जाओ। और आंटी लोग दिखा नहीं रहा, वो रितु आंटी में गए हुए हैं? नहीं है, दीदी भी नहीं है, सिर्फ दोनों है, हम दोनों। अच्छा ठीक है। ओके दोस्तों, तो इन्होंने मुझे ऑफर किया है सब्जियाँ, तो पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं जो भी सब्जियाँ चाहिए था वो यहाँ से मतलब तोड़ के ले जाऊँगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये साग किस में देखते हैं पहले, यहाँ पे है कि नहीं जीगा? तो यहाँ भी तो नहीं है शायद, यहाँ पे नहीं है ना, उधर में है क्या? ओ उधर में एक दिखा दिया, वो तो बुद्धा हो चुका क्या? वो ज़्यादा बड़ा हो गया ना, बुद्धा हो गया। ये देखिए, ये तो बुद्धा हो गया, हाँ ढूंढना पड़ेगा, एकदम कमलिया वाला ढूंढेंगे। वो वाला क्या है? ये कौन सा? ये छोटा सा, ओ वो तो पक के वो हो गया, स्नेक गार्ड है वो। और यहाँ पे दिख गए दोस्तों मुझे, और ये पूरा मतलब इसका साइज बहुत छोटा है ना, लंबा लंबा, वो साइज का लंबा है, ये थोड़ा छोटा है साइज में, तोड़ सकेगा? सकेगा सबको। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा साग है, तो इसमें से भी देख लेते हैं। और ये भी बुड्ढा हो गया, बुड्ढा हो गया ना। सब ज्यादातर बुड्ढा हो गया। हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है छोटा वाला, छोटा वाला, ये टेस्टी होता है बॉयल करके खाने से। उधर भी एक दिख गया मुझे, ऊपर ऊपर में, ये नहीं नहीं उधर, हाँ वो वाला, वो वो, ओ ये तो गाइस, ये वाला सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है बॉयल करके खाने से। और कल जो है मैं रात को आया था यहाँ रुपम के घर में, और यहाँ पे मैं वहाँ में टॉयलेट करने गया था, और दिख गया मुझे ये साग, तो आज मैं लेने आया हूँ। और ऐसे भी इन लोग नहीं खा रहे हैं ना, तो ऐसे बर्बाद हो रही है। और जो भी आते हैं गांव में आसपास के लोग, तो मांग के ले जाते हैं इन लोगों से, बड़े दिलदार है इन लोग, जो भी आते हैं मांगते हैं दे देते हैं एकदम फ्री में ना रुपम? हाँ बिल्कुल। इन लोग नहीं खाते इन लोग मरे इसलिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितने तोड़ दिए मेरे लिए। वाओ, थैंक यू रुपम, ले लो ब्रो। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितने ज़्यादा तोड़ दिए मेरे लिए। और ये देखिए एकदम ताज़े ताज़े वाले, बहुत ही मीठा होता है ये बॉयल करने से, इसका जूल निकलता है ना सूप, तो बहुत ही मीठे होती है। और यहाँ पे आ गया मानवी, कैसे हो मानवी? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत दिनों के बाद। हेलो कर दो, कैसे हो बोलो? ये हमारे मानवी है, कैसे हो आप लोगों को पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक में घुसा रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं लाता एक्चुअली मैं, तो रुपम ने मुझे ये भी ढूंढ दिया। और ये थैंक यू रुपम अगेन, वेलकम वेलकम ब्रो। ओके, यहाँ पे मेरा बाइक देखिए दोस्तों, काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर भी चला रहा हूँ जैसे तैसे। एक्चुअली मेरा छोटा भाई जो है वो यूज़ करता है, एक्चुअली मैं यूज़ नहीं करता, तो वो यूज़ करता है, पूरा जो है वो कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो गाइस, थोड़ी देर पहले मैं आ गया था रुपम की घर से, और वापस मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो है पावर बैंक और मेरा चार्जर की केबल जो है सर के आया था वहाँ पे, तो अभी जाके लाना पड़ेगा। और मोबाइल में जो है बैटरी थोड़ा कम बचा है चार्ज, मेरा पावर बैंक चोर के गया था यहाँ पे, ओ यहीं पे ना, ये देखिए दोस्तों। पूरा एकदम जो है मेमोरी लॉस हो गया, मैं भी देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्लो टेप लगाया था मैंने, ओ मोबाइल की बैटरी जो है थोड़ा चार्ज कम हो गया था, मोबाइल चार्ज लगाने में वो ये केबल ढूंढ रहा था, तो याद आ गया मुझे यहाँ पे सर के गया था। और यहाँ पे देखिए नायक कुत्ता, अरे ये कब लाया है? हो गया तीन दिन, तीन दिन, ओ इतना प्यारा कुत्ता है, क्या नाम रखा इसका? अभी अभी नहला दिया है इसको, नहला दिया है, और तभी तो भीगा भीगा लगा के। अच्छा गाबुच्ची। हाँ। अच्छा पहले वाला बुच्ची था ना। हाँ। इसका नाम गाबुच्ची। तो एक्चुअली गाबुच्चे जो हमारे एक्चुअली गाबुच्ची का मतलब होता है कि यंग, जो यंग होता है ना एक्चुअली ना रुपम, जवान, जवान को कहते हैं उसको, यंग बुड्ढे को कहते हैं,
और इसको जवान। हाँ बुज्जे के बाद जवान। गबची 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 गबची, ये देखिए कुछ गुजार रहा है। इधर देखो कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा पप्पी है। ये देखिए कुछ खाएगा क्या। तो गाइस अभी जो है मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा, क्योंकि कल जो है विश्वकर्मा बाबा की पूजा है, तो उसके लिए जो है कुछ सामान चाहिए था प्रसाद के लिए। तो राहुल भैया और मैं जाएंगे गुना नगर में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी सारे अमरुद जो है पाके गिर रही है, और वहाँ पे देखिए ये छोटे जात का है, छोटे जात का माने ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं, देख सकते हैं ऊपर में छोटे छोटे लेकिन पके हुए हैं, और नीचे में पाके गिर रही है इधर में भी। तो एक बार मैं भी इसको तोड़ के टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए छोटे हैं लेकिन बहुत ही मीठा है दोस्तों, तो ज़रूर और मैं तोड़ के खाना चाहूँगा, काफ़ी मीठा है। नीचे से ऊपर तक देखिए दोस्तों ये पेड़ जो है काफ़ी छोटा है, लेकिन ग्राउंड से तोड़ सकते हैं ग्राउंड से। और इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इधर में भी एक है, इसमें एक पाके हुए इधर भी है सिंगल वाला। इतना छोटे छोटे अमरूद है लेकिन बहुत ही मीठा है दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ बहुत ही मीठा है। ओह आराम से यहाँ से तोड़ के खा सकते हैं। ये देखिए एकदम पाके हुए, छोटे हैं लेकिन है तो बहुत बढ़िया। ओह ये रहा, बहुत ही मस्त। ये वाला ब्रांच में ज़्यादातर है वहाँ पे ऊपर में। ओह ये देखिए आराम से आ जाते हैं। यहाँ का सनसेट देखिए दोस्तों, बादलों से घिरे हुए काफ़ी सुंदर सा दिखाई पड़ता है। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं राहुल भैया और मैं गुना नगर से कुछ सामान लेके। तो एक्चुअली मैं वो वीडियो नहीं किया क्योंकि मैं जो है मोबाइल चार्ज में लगा के गया था, और कुछ वो वीडियो शूट करने के लिए नहीं मिला। तो अभी शाम भी हो चुका है दोस्तों। सो गाइस इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहाँ में समाप्त करना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाना जो जो नए मेरे चैनल में नए जुड़ रहे हैं। तो मिलेंगे कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।